नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको टोटल पांच स्टॉक देने वाला हूं 25 जनवरी के लिए, जिसमें हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा कल के दिन। साथ ही साथ काफी अच्छे प्रॉफिट भी हमें बनते हुए देखने मिलेंगे उन स्टॉक में। उसके साथ साथ मैंने कल के दिन यानी कि 24 जनवरी के दिन एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने टोटल आपको पांच स्टॉक बताए थे और एक बोनस स्टॉक दिया था। उन सारे स्टॉक में आज हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने मिला है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट जाके उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, टोटल मैं आपको पांच स्टॉक देने वाला हूं आज के वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टॉक, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है जाइडस लाइफ साइंस, जिसका मैंने यहाँ पर डेली चार्ट खोल रखा है। कल के दिन भी जो वीडियो डाला था उसमें मेरा पहला स्टॉक था जाइडस लाइफ साइंस, और आज आप देख सकते हो कि हमें ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा का अप ट्रेंड यहाँ पर देखने मिला है। उसके साथ साथ इसने अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब कल के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर कल के दिन मॉर्निंग में यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने मिलता है या ऐसा कह लो कि एक रिट्रेसमेंट देखने मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनेगा यहाँ पर और एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलेगी। और अगर कल आप इसमें बाय करके चलते हो तो आने वाला जो हमारा टारगेट रहेगा इसमें वो 779 के आसपास हमें ये देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर कल के दिन इसमें रिट्रेसमेंट नहीं होता है तो भी यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हो और 779 के पास हमें ये देखने मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है वो है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, जिसका मैंने यहाँ पे डेली चार्ट खोल रखा है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने मिला था हमें सन टीवी नेटवर्क में। उसके बाद 618 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आकर सन टीवी नेटवर्क ने एक सपोर्ट लिया और आज के दिन एक बहुत ही बड़ी हमें ग्रीन कैंडल देखने मिली है। हाँ, यहाँ पर थोड़े वॉल्यूम कम है पर कैंडल बहुत ही बड़ी देखने मिली है और यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया है 618 पे सन टीवी नेटवर्क का। अब कल के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है, कल के दिन यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिलेगा और जो हमारा आने वाला टारगेट रहेगा इसमें वो 665 के आसपास हमें देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से मैं ये स्टॉक आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें एक बुलिश हरामी टाइप पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा है, बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ ये फॉर्म होता हुआ दिखा है, जिसका मतलब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमें बनता हुआ देखने मिलेगा कल के दिन और आने वाले वीक में भी। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो थर्ड स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मा, जिसका मैंने यहाँ पे डेली चार्ट खोल रखा है। देखो, फार्मा स्टॉक जितने भी है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट ऊपर की तरफ जाए, फार्मा स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा हमें अप ट्रेंड बनता हुआ दिखने मिल रहा है कुछ दिनों से। यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 4% के जितना यहाँ पर अप ट्रेंड देखने मिल गया है ग्लेनमार्क फार्मा में, जिसके वजह से ये स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। साथ ही साथ आज की जो हमें कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है वो बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है, जिसने पूरी तरीके से अपने इस प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया है और अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड हमें बनता हुआ देखने मिलेगा। तो यहाँ पर कल के दिन जो हमारा टारगेट रहने वाला है ग्लेनमार्क फार्मा में वो 905 के आसपास हमें देखने मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप एक दो दिन होल्ड कर सकते हो तो 914 के आसपास हमें ये देखने मिलेगा। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो फोर्थ स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट इंडिया, जिसका मैंने यहाँ पर डेली चार्ट खोल रखा है। देखो, अगर आप सब मेरी रोज वीडियो देखते हो तो मैं बिरला सॉफ्ट के बारे में ऑलमोस्ट हर अपने उस वीडियो में बताता हूँ जिसमें मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैंने बिरला सॉफ्ट के ऊपर आप लोग को बाय करने बोला था जब ये चल रहा था 683 के पास, और आज आप देख सकते हो 822 के पास ये आ चुका है और अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ये ऊपर जा सकता है। अब बिरला सॉफ्ट में हमें कल के दिन क्या देखने मिल सकता है, अगर बिरला सॉफ्ट कल के दिन अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 828 को ब्रेक करता है तो हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हमें आता हुआ देखने मिल सकता है, यानी कि 876 के आसपास हमें ये देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप इसमें वीकली ट्रेड लेना चाहो तो वीकली ट्रेड ले सकते हो, 101% अपने ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हमें आता हुआ देखने मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो फिफ्थ स्टॉक है वो है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा रखा है। अब इस स्टॉक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर फॉर्म हुई है। यहाँ पर आप देखोगे कि कल के दिन एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने मिला था, उसके बाद आज के दिन एक बहुत ही अच्छी हमें रिकवरी देखने मिली और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने मिली, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड बन सकता है और ये स्टॉक में एक बहुत ही तेजी आ सकती है।
तो अगर कल के दिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यानी कि 116 को ब्रेक करता है तो 122 के आसपास हमें ये कल के दिन ही देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अगर कल ये ब्रेक नहीं करता है और एक दो दिन बाद यहां पर ब्रेक करता है तो आने वाले वीक में हमें ये 127 के आसपास भी देखने मिल सकता है। वैसे तो मैं आप लोग को डेली 5 स्टॉक देता हूं, पर आज के दिन मैं आपको टोटल 7 स्टॉक देने वाला हूं क्योंकि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो 6ठा स्टॉक है वो है वोल्टास लिमिटेड, जिसका मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगा रखा था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला था और कल के दिन एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने मिला था, पर कल के दिन एक लोअर वीक देखने मिली थी जिसकी वजह से इस स्टॉक में ऐसा लग रहा था कि आज के दिन एक रिकवरी देखने मिलेगी और आज के दिन वो रिकवरी हो भी गई है और अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यानी कि 1028 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग देखने मिली है, जिसके वजह से कल के दिन इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनता हुआ हमें देखने मिलेगा और कल के दिन जो हमारा आने वाला टारगेट रहेगा वोल्टास लिमिटेड में वो 1066 के आसपास हमें देखने मिल सकता है। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो 7 स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजी, जिसका मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा रखा है। वैसे तो आप HCL टेक्नोलॉजी को देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देते आया है अभी तक अपने इन्वेस्टर को, पर कल के दिन इसमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखने मिलेगा क्योंकि कल के दिन एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिला था, उसके बाद आज एक बड़ी रिकवरी हमें देखने मिली जिसके वजह से यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, जिसके वजह से कल के दिन इसमें एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है और कल के ही दिन अपने ये इस इंपॉर्टेंट टारगेट को यानी कि 1618 के आसपास हमें ये देखने मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने जो भी एनालिसिस आप लोग को दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के कीजिए। थैंक यू।